इस उत्तर फिर वजफिना टीवी और वजफान पे मैं आपके साथ से हूं। आज यानी 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कर्मचारियों के रुके हुए डीए एरियर पर फैसला हो सकता है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शाम 3:30 बजे होगी। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीनों से रुके हुए डीए को जारी करने का फैसला अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन जानकारी के अनुसार आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। सरकार एक ही किश्त में डीए एरियर देकर निपटाने की योजना बना रही है। केंद्र ने कोविड-19 के कारण 1 जनवरी 2020 से डीए और डीआर के भुगतान पर रोक लगा दी थी। इस कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 18 महीने के डीए डीआर का भुगतान नहीं हो पाया है। अब इसके जल्द मिलने की उम्मीद है। वहीं मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार बकाया डीए एरियर की राशि वन टाइम सेटलमेंट के तहत दी जा सकती है। 18 महीने के एरियर का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है। एरियर भुगतान को लेकर भारतीय पेंशनभोगी मंच में जो है प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है और प्रधानमंत्री से बीएमएस ने भी अपील की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और वित्त मंत्रालय को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रोके गए डीए डीआर के एरियर को जल्द जारी करने का निर्देश दें। इस सबका बड़ा अपडेट था। लगातार हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और वॉइस ऑफ एमपी पर। शुक्रिया।